हस्बैंड बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। इन्हें भी एक मैसेज आया है, आप अंदाजा लगा लो वो किसका होगा और वो इतने खुश क्यों हैं, जरा बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं बिल्कुल ही शाम में शुरू कर रही हूँ, उसकी वजह ये थी कि सुबह में काम काफ़ी ज़्यादा थे, नाश्ता किया, खाना खाया, सिद्रा आई थी काम वाली, उससे कपड़े धोए और बच्चों के साथ लगी हुई, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा कराची की जो आबो हवा है वो भी चेंज हुई है, मौसम थोड़ा तब्दील हुआ हुआ है, तो तबीयत मेरी भी थोड़ी सी डाउन हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठाया और मैंने कहा व्लॉग आज भी बनाऊँगी। तो हस्बैंड आए, कह रहे हैं कि सारा दिन से बोर हो रहा हूँ काम काज ये वो, तो बच्चों ने भी कहा मम्मा हम लोग बोर हो रहे हैं, कहीं चलते हैं, कहीं चलते हैं। जैसे ही ट्यूशन से आए हम लोगों का प्रोग्राम बना है, तो अभी हम बस बाहर जा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन। पार्क में आए, यहाँ पर एक यहाँ पर स्पेस था, बिल्ली के बच्चे ने अपना यहाँ पर घर बना दिया है, बड़े मज़े से आराम से जी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जिस पार्क में हम लोगों ने आना था। ये एक छोटा सा जू है बच्चों के लिए, जो छोटी सी तफरीगा जगह बनी हुई है। यहाँ पर आपको फ़िश भी मिल जाएंगे, एनिमल्स वगैरह भी, और मतलब पार्क वगैरह भी है, अच्छी जगह है बच्चों के लिहाज से, तफरी के लिहाज से। तो हम लोग अक्सर इस पार्क में आते हैं, छोटी छोटी होती थी, आते 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 देखते देखते बड़ी हो गई हैं। यहाँ पर भी कितनी प्यारी प्यारी हैं। अच्छा ये देखिए ये क्या है, मछलियाँ दिख रही है मुझे यहाँ पर, बहुत प्यारी सी, और एक में कछुआ भी है, पर इनका पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। ये है ना सो रही हैं, और ये दो ऑरेंज कलर की, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और ये वाला खाली है, इसे आगे चले तो उसमें तो पानी भी नहीं। यहाँ पे आया और इन्होंने आवाज़ें लगाई और ये डर गए। क्या हो गया, डर गए? दांत मारी है, आपको लगा ये बाहर आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और यहाँ पर इतनी सारी डक्स हैं और जोर जोर से शोर कर रही हैं। और हम जहाँ पे भी जाते हैं ना हमें डक्स मिल जाते हैं। और जहाँ वैसे ये बात है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें डक्स मिल जाती है, डक्स मिल जाती है, और डक्स भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत वाइट ब्राउन, और एक पीछे वाली है वो पता नहीं क्या है, उसको क्या कहते हैं। और अब मैं जिस जगह पे आई हूँ वहाँ पे बड़े ही प्यारे मोर हैं, अल्लाह करे पर खोलें। ये वाला कलर में है और ये वाला वाइट है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मेरे बच्चे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा बच्चों ने काफ़ी टाइम से शोर किया हुआ है, हमें पैरोट ले दें, बर्ड्स ले दें, कुछ भी ले दें, पर हमारे घर में एक पिंजरा होना चाहिए और इनके बाबा मान नहीं रहे। अब देखो बच्चे जीतते हैं या बाबा, काफ़ी टाइम से ये लोग जिद कर रहे हैं। क्या कहते हैं, बच्चे जीत जाएंगे बाबा? उस दिन इरादा हो गया था मेरा लेने के। अच्छा लेकिन फिर बताऊँ पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला यार नहीं अभी नहीं। पता ही क्या, उनकी पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है, गर्मी सर्दी उनको देखना पड़ता है कि उन्हें गर्मी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए, उनके दाने पानी का सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और जब हमें कैद होने में मसला होता है तो उन्हें भी कैद करना अच्छी चीज़ तो नहीं है ना इब्राहिम? यह है, मुझे नहीं लगता किसी परिंदे को ऐसे कैद करना चाहिए। इब्राहिम यहाँ पर शेर बन रहा है। इसे शेर कहते हैं? शेर नहीं बाबा जी, इसके क्रोकोडाइल तो नहीं है, और क्या कहते हैं, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, और एक और क्या कहते हैं, अच्छा इन लोगों को बेचारों का इतना बुरा हाल है, सुस्त होकर निढाल होकर बीपी डाउन है, वो इसलिए कि अगर इन्हें ज़्यादा खाना देंगे, ज़्यादा चीज़ें वगैरह दी, इनमें एनर्जी आ गई तो ये यहाँ पर आराम से नहीं बैठेंगे। और यहाँ पर गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा ही है। हमारे पाकिस्तान में एक मसला है, जू जो है ना वो चिड़ियाघर जो भी होगा वो साफ़ नहीं होगा, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो चाहे वो बड़े पैमाने पे हो। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है कि बोलो बहुत बड़ा बना हुआ है, पार्क बना हुआ है ये वो, पर यहाँ पर भी सफाई का इशू है। ये बहुत मज़ेदार एनिमल्स है, अगर मैं दिखाऊँ तो आपका भी फेवरेट होगा। कुछ भी मंकी से थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी बर्ड्स वगैरह हैं, परिंदे हैं, और ये वाइट कलर में और ये ब्लू कलर में, कितने खूबसूरत हैं, कैमरे में इतने बड़े नहीं आ रहे जितने ये बड़े बड़े वैसे हैं, इतने तो होंगे ना ये मुस्तफ़ा जितने हैं। नहीं नहीं मुस्तफ़ा जितने, इतने बड़े भी नहीं है यार, मतलब कि यार उनकी दुम भी मतलब नहीं ना, उनकी दुम देखो कहाँ तक जा रही है। यहाँ पर एक बकरा और एक और बकरा, दो दो बकरे भी हैं। इब्राहिम ले चले ये मेरे बच्चों को ना, बकरे गायें बकरा ये बहुत पसंद है इनका, बस ना चले पूरा साल ये जानवर लेके पाले। यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत मासूम मासूम से हिरन हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप मुस्तफ़ा को भी दिखा दे भाई हिरन, बहुत प्यारे। सर पर भी सींग सा एक, यानी क्या है इनके, कुछ क्या है सींग, किसी का एक है किसी का दो है, क्या है ये
हाँ जी ये देखो ये क्या कर रहे हैं, कितने बड़े हो गए हो क्या लग रहे हो इसके ऊपर बैठे हो, इसके पीछे से देखो खाली है, इस पे ये ऐसे कैसे हो गया, चलो नीचे उतरो उतरो चलो छुट्टी। इस पार्क में वो एनिमल्स ना खत्म हो गए, कम हो गए, और वैसे इतवार को बहुत ज्यादा रश पहले बहुत हुआ करते थे, ये बेसिकली जमशेद रोड पे बना हुआ है पार्क, थोड़ा सा पार्क है लेकिन बहुत मजे का पार्क है। अच्छा नॉर्मल डेज में आना चाहिए यहाँ पे, अगर आप इतवार पे इतवार को आएंगे ना तो बहुत रश होगा, बहुत रश होगा, आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला, और नॉर्मल डेज में आएंगे ना तो काफी कम लोग होंगे और पार्क खूबसूरत है। कभी तुम्हें याद है यहाँ बैठ के हम चाय पिया करते थे? हाँ वो चाय वाले को भी हमारी शक्ल अच्छी तरह याद है, वो देखते ही दूर से बोलते हैं चाय चाहिए, चाय चाहिए, अभी उसने देखा नहीं हमें। हाँ चाय, वैसे भी हम लोगों ने भी चाय का टाइम हो रहा है, हमारी चाय का टाइम हो रहा है। बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा, इन्हें भी एक मैसेज आया है, आप अंदाजा लगा लो वो किसका होगा, और वो इतने खुश क्यों है, ऐसे कैसे चलेगा। बस अभी एक मैसेज आ गया है। अच्छा एक बात बताऊं, पर जो मैसेज, एक बात बताऊं, एक चांद वो रहा, एक चांद ये रहा, ये इतनी तारीफें एकदम से कैसे शुरू हो गई। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, वो वाला हिसाब हो गया ना कि तारीख पहली नहीं है। क्या मैसेज आया तुम बताओ, ये बताओ मुझे। मैं बता तो रही हूँ ना, देख लो समझ गई, मैं आपकी हंसी से ही समझ गई थी कि क्या मसला हो सकता है। ये मैसेज हर एक को खुश कर देता है। कंट्रोल वाले को चाय का ऑर्डर दे देना, मेरा दिल कर रहा है, और मगरिबी होने वाली है, और उसके बाद बिल्कुल ही अजान शुरू हो रही है, सलाद शुरू हो गए, तो मैं कैमरा बंद कर दी। चाय वाले ना काफी देर से आपको याद कर रहे थे हम लोग, एक दो तीन चाय ले आना यार, दूध पत्ती तीन चाय, मेरी जो फीकी हो सकेगी, और बात सुनो एक फीकी और दो कम चीनी। एक फीकी दो कम चीनी के लिए मैं बैग में बिस्किट रख के लाई थी, और इन्होंने खा पी के खाली कर दिए, और अब फिर मुस्तफा की जिद के मेरे बिस्किट। कितने लाए थे बिस्किट बैग में? 4-5 लाए जी। रात होने से पहले पहले ना, रात तो क्या, रात तो हो ही गई है समझो। क्या खाने आपने? कप केक खाने, अभी कप केक खिलाते हैं। रात होने से पहले पहले हमने घर जाना, डेंगू की हो जाती। हस्बैंड मेरे सबसे ज़्यादा डेंगू से डरते हैं, वो उसकी वजह ये है कि इन्हें तकरीबन 3-4 साल पहले डेंगू हुआ था, और इनकी इतनी बुरी हालत हुई थी, और जितना मैं रोई थी मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं रोया होगा इनके डेंगू पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे और ICU में चले गए थे, वहाँ पर इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत हो गई थी, तो इतना डरते हैं डेंगू से, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से इतना नहीं डरूंगे जितना। मैं याद भी नहीं करती, और जिन जिन लोगों को डेंगू हुआ है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे और समझते होंगे कि कितनी बुरी बीमारी, अल्लाह हमें सबके हाल पर रहम करे, और अपने घर में स्प्रे करें, अपने घरों में पानी नहीं खड़ा होने दें, क्योंकि जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ पर मच्छर आएंगे, और वो जो मच्छर काटेंगे तो वो यकीनन डेंगू के ही होंगे, तो मोस्बिल का इस्तेमाल करें, उसके अलावा स्प्रे करें और अपना ख्याल रखें। आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? एक दो दफ़ा ही किया है। अरे मैं शादी से पहले किया, अब तो 10 साल हो गए शादी को, मैं 10 साल से ट्रेन का सफ़र ही नहीं किया, पर एक बात बताऊँ वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, एक चाय वाला आ जाए ना, चाय वाले चाय और एक जूस वाला आ जाए जूस। अच्छा मेरे सीटी ज़्यादा पता है क्यों बज रही है, मेरे दांतों में गैप है ना, हवा ज़्यादा अच्छे से नहीं है। जूस 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 तुम्हारे दांतों में गैप है वैसे। अच्छा एक बात बताऊँ, मेरे दांतों में गैप है, आगे से इब्राहिम के भी, आगे से अहमद और मुस्तफा के भी है, हमारे सब में है, आपके नहीं है। अहमद का तो इतना सारा गैप है, दांत जो है ना वो मुझ पर गए स्पेस वाले। अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं जिनके दांतों में स्पेस हो, गैप हो, वो बहुत लकी होते हैं, ऐसा है? ऐसा है, चाय वाले भाई आ गए चाय लेके, चाय वाले भाई ने तो पहले। अच्छा अच्छा ये शॉपर भी लेकर आए हैं कब, साथ में? तो हम क्या स्ट्रॉ से पियेंगे चाय? अच्छा नहीं कब तो है वो, क्या कब से क्यों मना कर रहे थे? हाँ चलो खैर साफ है ना, ये बता दें। हाँ चलो साफ है। आज हम टिपिकल देसी तरीके से चाय पीने वाले हैं, और चाय में देखो साइड से थोड़ी सी पत्ती भी, और इतनी गर्म है कि हाथ जल रहे हैं। अब इसे मैं डालूंगी। क्या कह रहा था? कह रहे कप नहीं दे रहा होटल वाला, बड़ी मुश्किल से लिए तो कह रहा है 150 रुपये का 3 कप। मैंने कह लो कप साफ खरीदे तो नहीं है ना, खरीदे नहीं है उसने चाय पीने के लिए। अच्छा सबसे मज़ेदार जो चाय होगी ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे जो पर्सनली पसंद है और मेरे हस्बैंड को, वो होटल की, कोई होटल की चाय पीती तेरिया मन मन की, ऐसा जिंदगी तबाह की थी।
अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चों ने जिद की भी थी टोकन वाली साइड पर आने की, के झूले वगैरह लेने हैं और यहाँ पर आकर हम लोगों ने तफरी वगैरह करनी है, तो इनके बाबा मान गए हैं और ये लोग अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, 4D मोशन राइड। 4D मोशन राइड। इब्राहिम एक अलग दुनिया में है और अहमद एक अलग दुनिया में है और हम इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि अपनी दुनिया से कब वापस आएंगे, तो हमें घर लेके जाएंगे। अब हम घर लेके जाएंगे। डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? अब तो बच्चों पूरा करके रहोगे। आपके साथ क्या हो रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। क्या काम हो गया? बर्फ बर्फ बर्फ। सर्दी तो नहीं लग रही? ठंड लग गई। पूरे ड्रामे बाज है पूरी तरह। एसोसिएट डायरेक्टर आप है पर एक्टिंग इनसे करवा लें। एरिया का आपको बता दूं, वहाँ पर तो हम पार्क की साइड थे, यहाँ पर सब झूले ही झूले हैं। टोटल यहाँ पर बच्चों के, छोटे बच्चों के झूले हैं, बड़े बच्चों के नहीं है पर छोटे बच्चों के हैं। और बड़े बच्चों के लिए ये है या एक आध और झूला है जो बड़े बच्चों के लिए। क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आया? ठीक हो? डर लग रहा था। और ये इस झूले में जाएंगे, ऑप्शन है झूलों के, और मुस्तफ़ा ने यही वाले पसंद किए। स्टार्ट हो गए, एक पर ही स्टार्ट हो गए। बड़ी बात, यहाँ पर 10 रुपए का एक जो है ना टोकन है और आप यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चों को झूले झुलवा सकते हैं। एक्साइटेड हुए हैं कि इतने सारे झूले हैं और इन्हें ये नहीं पता सस्ते में है, तो इसलिए सारे झूले झूले को मिल रहे हैं। बाय बाय। यहाँ पर एक और मुस्तफा ने टोकन वाली गाड़ी पसंद की है जो कि स्टार्ट हो चुकी है और अहमद इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाते हुए कि अहमद ही एडजस्ट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि इब्राहिम तो बड़े हो गए, वो तो पूरे नहीं आते। ओए, ओए, थोड़ा गाड़ी, अरे उसको सर पर लग रहा है, उसको थोड़ा पीछे कर। जी तो अब रात हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, घर जाने लगे थे, तो मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर लूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। और मिलूँगी मैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो चलो चलो, तेज़ी तेज़ी से घर चलो 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 चलो, मुझे खींच के लेके जा रहे हैं, मैं ऐसे जैसे बच्ची हूँ घर नहीं जाऊँगी।